क्या आपको पता है ऐसा यूनिट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ऐसा यूनिट बोले तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये कैसे बन गया, और इससे पहले कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे? इससे पहले बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते थे जो रीजन वाइज डिफरेंट होते थे, जो कंट्री वाइज भी डिफरेंट होते थे, और कुछ सिस्टम्स ऐसे थे जो बहुत वाइड स्केल पर इस्तेमाल किए जाते थे, लाइक द मेट्रिक सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, और ऐसे ही CGS सिस्टम ये इस्तेमाल किए जाते थे। CGS सिस्टम बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। CGS सिस्टम के बारे में बात करें तो ये कहाँ से आया? 1862 में बना द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस, उन्होंने लिए 1863 में लिया गया मीटर ग्राम और सेकंड को बेस यूनिट्स। किसके लिए? मास के लिए लिया गया ग्राम को, लेंथ के लिए लिया गया मीटर को, और टाइम के लिए लिया गया सेकंड को। और फिर 1873 में लिया गया इंस्टेड ऑफ मीटर सेंटीमीटर लिया गया इसका बेस यूनिट फॉर लेंथ, और फिर बन गया इसी का नाम CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। और इसमें सिर्फ यही तीन यूनिट्स नहीं थे, इसके बाद वक्त के साथ इसमें और कुछ यूनिट्स भी लाए गए, लाइक वोल्ट। वोल्ट लाया गया इसमें। वोल्ट किसके लिए रखा गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, EMF के लिए। ऐसे ही इसमें और एक यूनिट डाला गया रेजिस्टेंस के लिए, ओम। फिर कैसे बना SI सिस्टम? 1875 में बना मीटर कन्वेंशन जो साइन किया गया पेरिस में। इसमें 17 कंट्रीज ने हिस्सा लिया और इसके तहत CGPM बन गया, जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजर्स। फ्रेंच में बोले तो CGPM का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पॉइंट्स एट मेजर्स, विच मीन्स जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। और फिर 1901 में एक साइंटिस्ट ने कहा, जॉनी जॉर्जी जिसका नाम था, इटालियन साइंटिस्ट था, उसने कहा एक हम कोहेरेंट सिस्टम बनाएंगे जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाए। 1960 में जो 11th CGPM था, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स था 11th, वो उसमें लिए गए 6 SI यूनिट्स फॉर 6 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 6 फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी और 6 SI यूनिट्स क्या थे? एक था उसमें लेंथ, लेंथ के लिए लिया गया मीटर को, मास के लिए लिया गया किलोग्राम को, टेम्परेचर के लिए लिया गया केल्विन को, टाइम के लिए लिया गया सेकंड को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए लिया गया कैंडेला को, ऐसे ही लिया गया किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए लिया गया, एम्पियर को। यानी कि उस वक्त थे 6 बेस यूनिट्स। उसके बाद 1971 में और एक यूनिट डाला गया, दैट इज कॉल्ड एज मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही बन गए ये SI यूनिट्स, जो 7 SI यूनिट्स हम इस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, बेस यूनिट्स। SI सिस्टम में सिर्फ बेस यूनिट्स हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम डिराइव्ड यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं। बेस यूनिट्स हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटीज बन जाती है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की वजह से, जब इन्हीं 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जो क्वांटिटीज बन जाती है, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए है डिराइव्ड SI यूनिट्स। मैं बात करूँगा स्पीड की। स्पीड की बात करें तो स्पीड का जो SI यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ये क्या बन गया? डिराइव्ड यूनिट। मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए। सेकेंड किसके लिए है? टाइम के लिए। और डिराइव्ड यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ऐसे ही बाकी बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स है, लाइक वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके लिए होते हैं डिराइव्ड SI यूनिट्स। इसके अलावा SI सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस को, लाइक मिली, लाइक सेंटी, लाइक डेक, लाइक डेसी, लाइक दी, फॉर एग्जांपल डेसीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं मिली सेकेंड, ऐसे मिलीग्राम कहते हैं। उनका क्या मतलब है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।